आंख के उपचार के लिए परसा की जनता को अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आंख के संपूर्ण उपचार के लिए नारायण नेत्रालय आंख अस्पताल परसा आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। उक्त बातें जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर राय ने संतोष जन विकास सेवा संस्थान द्वारा संचालित नारायण नेत्रालय आंख अस्पताल के उद्घाटन के उपरांत कही। अमर राय ने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक संतोष कुमार द्वारा आधुनिक तकनीक मशीन से सभी प्रकार की बीमारी का उपचार और नेत्र परीक्षण की सुविधा है। गरीब असहाय मरीजों का निःशुल्क सुविधा दिया जाएगा, जो सराहनीय पहल होने की बातें कही। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अस्पताल में कंप्यूटर से आंख की परीक्षण, बिना टांके का मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा का सही और सफल उपचार व ऑपरेशन की सुविधा, नासूर भेंगापन का उपचार, रेटिना संबंधी रोग का उपचार की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने क्षेत्र की मरीजों से अस्पताल से सुविधा लेने के लिए प्रेरित किया। अस्पताल का उद्घाटन जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर राय, सिवान जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम यादव, जीप सदस्य विनोद राय, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, शिक्षक नेता विनोद राय द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र डायरी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षक नेता विनोद राय, ग्लोक बिहारी शरण, डॉक्टर बी के सिंह, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद राय, आरिफ असलम, असगर अली, डॉक्टर मनीष कुमार आदि ने अपना विचार प्रकट किया। डी एलिवेन टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। नारायण नेत्रालय में इसमें गरीब असहाय रोगियों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क होगा। संस्था के द्वारा काम किया जा रहा है, संस्था स्टार्ट हुआ है। इसमें लगभग जो भी आएंगे गरीब तबके के लोग, उनका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। और क्या क्या तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है और रोगियों के उपचार के लिए सुविधाएँ क्या क्या दी जा रही है? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और कॉर्नियल अल्सर पे विशेष फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉर्नियल अल्सर के केस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण लोगों का आंख जो है सुविधापूर्वक बच जाता है, अंधापन उससे रुकता है। यानी कि आंख से बीमारी से संबंधित सभी समुचित उपचार है और सुविधाएँ अवेलेबल है। बिल्कुल, हमारे यहाँ आँख संबंधित सभी रोगों का इलाज संभव है। और खास करके यह माना जाए कि आप बोर्ड पर लिखे हो मंगलवार निःशुल्क, मैंने निःशुल्क मैंने केवल परामर्श किया। यह संस्था जब से स्थापित हुआ तब से शुरू से प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क सेवा दिया जाता है। और यहाँ के जनता के लिए क्या कहना चाहिए, जो नेपाल और अलग अलग देशों में जाते हैं बनाने के लिए, चाहे अदर स्टेट में? यहाँ के जितने भी लोग हैं, विशेष करके जाने आने में जितने भी खर्च होते हैं दूर सुदूर अलग क्षेत्रों में, उसे बहुत कम पैसे में हम लोग के यहाँ इलाज संभव है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा जागरूकता की आवश्यकता होगी। तो क्या कहना चाहिएगा कि किन किन तकनीकी के माध्यम से आपके यहाँ उपचार होगा, रोगियों को कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ मोतियाबिंद का समुचित इलाज होगा और जितने भी लोगों को चश्मा की आवश्यकता होगा उनको चश्मा से भी अंधापन को दूर किया जाएगा। कुशल चिकित्सकों का टीम बना होगा? बिल्कुल, मेरे यहाँ कुशल चिकित्सकों का लगभग 4 चिकित्सक वैसे हैं जो कि शंकर नेत्रालय चेन्नई से और आपका पटना मेडिकल कॉलेज से संबंधित हैं, वे हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संतोष कुमार।